मिताली, वेलकम टू e-vidyarthi.in। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने अब अपने चैप्टर के काफी इम्पोर्टेंट पार्ट के साथ। इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, क्योंकि आप ही की प्रॉपर्टीज इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेंगी, ठीक है। सो आपको मजा ही आने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लेकिन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले हमें उसकी थोड़ी सी फील्डिंग बनानी होगी। फील्डिंग यानी कि किस तरीके से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पिक्चर में आया है, ठीक है। तो इसलिए हमें सबसे पहले उसे क्या पढ़ना है, इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है, थोड़ा सा नया वर्ड है, जनरली सुनने को नहीं मिलता, बट मेरा यकीन मानो ये प्रॉपर्टी आपके अंदर इतनी ज्यादा है ना कि सबसे ज्यादा वही देखने को मिलती है। वर्ड नया है लेकिन प्रॉपर्टी नई नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि इनर्शिया होता क्या है। आपको याद है, याद रखने वाली नहीं, एक्चुअली ये तो हम सबकी फेवरेट हॉबी है कि हमें जिस भी स्टेट में हम बैठे होते हैं, फॉर सपोज अगर अभी हम टीवी देख रहे हैं या टीवी देखते हैं जब, और उस जगह पे एक घंटा बैठने को मिल जाए, दो घंटा बैठने को मिल जाए, कोई हमें हिलाए ना, तो वो हमारा बिल्कुल फेवरेट टाइम होता है ना। ऐसा कितनी बार होता है कि हमें अपने घर पे सुनने को मिलता है कि जहाँ बैठते हो वहीं बैठे रहते हो, उठते नहीं हो, तो उसी को इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। आज काफी इंटरेस्टिंग आपको लग रहा होगा कि अच्छा ये हमारी इसमें भी कोई स्टडी होती है, मतलब ये तो कितनी अच्छी चीज है। तो अच्छी चीज तो है, लेकिन इसी से न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी निकला है। तो आप चलिए यहाँ से एक बार समझते हैं कि है क्या एक्चुअल में इनर्शिया, ओके। चलिए, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ईदर एट रेस्ट और इन मोशन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी की टेंडेंसी एक स्टेट में रहने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। चाहे वो स्टेट आपकी रेस्ट पे हो यानी कि रुकी हुई, चाहे वो मोशन में हो, और मोशन कैसा, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म मोशन आप कह सकते हो जहां पर स्पीड पर या वेलोसिटी पे जरा सा भी फर्क ना आ रहा हो, उस वाली स्टेट को या उस टेंडेंसी को, बॉडी की उस क्षमता को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आपको इसमें बड़ा अच्छा से एग्जांपल देती हूँ, थोड़ा बेहतर तरीके से आप इसे और समझ पाओगे, ठीक है। आप इसे देखो ऐसे, फॉर सपोज आप अपनी एक कॉपी लेके चलो, इस वक्त जो भी आपके सामने अपनी साइंस की बुक पड़ी है या नोटबुक है, कुछ भी अगर आपके सामने है, अगर फैन को पूरी स्पीड पे चलाया जाए और आप बुक को टच मत करो, तो एकदम आप देखोगे कि किस तरीके से जो आपके नोटबुक के पेजेस हैं वो उसमें फ्लिकर करने लग जाएंगे, मतलब कि उड़ने लग जाएंगे इधर से उधर, और कितना ज्यादा संभलेंगे नहीं, है ना। लेकिन अगर इसी तरीके से मैं साथ में एक बंद करके बुक को रख देती हूँ, या फिर उसी बुक को आप सारे पेजेस को क्लोज करके ऐसे रख देते हो, तो उसमें से कोई भी पेज उड़ता हुआ हमें नहीं दिखेगा, कोई भी पेपर हमें फ्लिकर करता हुआ या फिर खुलता बंद होते हुए नहीं दिखेगा। तो क्या इसमें क्या हमने नया क्या नोट करा है, मास, यस, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया जो है, इनर्शिया इज डिपेंडेंट ऑन दी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये काफी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है और समझने वाला भी है। इसमें काफी सारे टेक्निकल एग्जाम्पल्स भी है जो धीरे धीरे मैं आपको समझाती रहूंगी, बट सबसे पहले आपके समझने के लिए ये बेस्ट है कि आप समझो कि किस तरीके से वो पेपर्स में, क्योंकि पेजेस का जो वेट है कंपैरेटिवली एक पूरे बुक के वेट से काफी कम है, तो अगर वो पेजेस को मैं पूरी फैन की स्पीड या कूलर के सामने रख देती हूँ तो वो अपने आप ही उड़ने लग जाएंगे, चाहे वो अपने बुक के आसपास ही रहे बट उड़ने लग जाएंगे। उसी तरीके से अगर मैं बुक को बंद कर देती हूँ तो बिकॉज ऑफ द हैवी वेट ऑफ द बुक वो पेपर्स या हमारी बुक नहीं उड़ सकती है, इनफैक्ट वो अपना स्टेट भी चेंज नहीं कर सकती है। तो यानी कि हमारा जो इनर्शिया होता है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास पे, ठीक है। चलो अब यहाँ से देखो, जितना ज्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होगा, जिस तरीके से हमारे एग्जाम्पल में बुक का वेट काफी ज्यादा है, वेट या मास आप किसी से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हाँ, सो मोर द मास लार्जर विल बी द इनर्शिया। जितना ज्यादा हमारे ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। इनर्शिया यानी कि टेंडेंसी, ग्रेटर टेंडेंसी टू रिमेन इन इट्स स्टेट, यानी कि उसकी अपनी जिस वो स्टेट में है उस स्टेट में उसकी रहने की क्षमता काफी ज्यादा होगी, ठीक है, और इजीली वो चेंज भी नहीं करी जा सकती है।
तो अब इसके आगे मैं आपको थोड़े और मासेस और इनर्शिया के टेक्निकल एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए दोस्तों, अब थोड़े बहुत इनर्शिया और मास के एग्जांपल्स को समझते हैं। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर एग्जांपल्स कुछ भी इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं है कि मैं कहाँ से लेके आई हूँ, वही एग्जांपल्स हैं जो आप अपनी एवरीडे लाइफ में देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ। मूवमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन अ कार अप्लाई ब्रेक्स और टेक्स अ शार्प टर्न। तो आप मुझे बताइए, इसके आंसर पढ़ने से पहले ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि जब भी कोई भी गाड़ी, चाहे कोई भी और व्हीकल हो, उसमें कैसे कहीं पे भी अगर ब्रेक अप्लाई करी जाती है या फिर कोई भी टर्न लिया जाता है, तेजी से हो धीरे हो, हमेशा हमारी बॉडी में कोई ना कोई मूवमेंट देखने को जरूर मिलता है। अगर हमने ब्रेक अप्लाई करी है तो एकदम हमें झटका लगता है, आगे या पीछे की तरफ हम मूव करते हैं। इसी तरीके से अगर टर्न लिया जाता है, अगर राइट डायरेक्शन में टर्न ले जा रहा है तो हमारी बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उस व्हीकल में बैठी हुई बॉडी, यानी कि अगर हम उस गाड़ी में बैठे हैं, तो हमेशा हमारी बॉडी किसी भी चेंज को रेजिस्ट करेगी। रेजिस्ट यानी कि बदलाव लाने से वो अपने आप को रोकेगी, रेजिस्ट करेगी, ठीक है। और इसी स्टेट को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। सो एक बार इसका रीजन भी देख लेते हैं। सो ड्यू टू द चेंज इन द मोशन ऑफ द बॉडी, क्योंकि हमारा जो व्हीकल है उसमें मोशन में चेंज आ गया है, सो द बॉडी विल ट्राई टू रेजिस्ट द चेंज। और इसी वजह से जो बॉडी है वो क्या ट्राई करेगी कि उसके अंदर वो चेंज ना आए, हेंस इट मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और यहाँ पर आप यहाँ पे इसे नोट कर लीजिएगा, और इसलिए हमारी बॉडी हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। अब आप यहाँ पर इंटरेस्टिंगली एक और एग्जांपल देखो। आपने कभी देखा होगा, जब भी हम किसी गाड़ी में ट्रेवल करते हैं तो सीट बेल्ट का बहुत ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अब सीट बेल्ट का ध्यान पुलिस के डर से नहीं देना चाहिए, एक्चुअल में उसका बहुत मीनिंग है, ठीक है। अब इसी एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कैसे। सपोज कई बार आपने नोट किया हो, कोई भी छोटा बच्चा अगर हमारे साथ गाड़ी में बैठा है तो उसको पकड़ के बैठा जाता है, या फिर उसका थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कभी भी अगर हमारी गाड़ी ने एक शार्प टर्न लिया है, बहुत तेजी स्पीड में उसने टर्न लिया है, क्योंकि बच्चे की बॉडी का वेट यानी कि उसका मास काफी कम है, इसलिए जैसे ही टर्न लिया गया है उसकी बॉडी में ज्यादा झटका आएगा और बच्चा गिर भी सकता है। इसीलिए सीट बेल्ट और इस तरीके से जो भी कोई छोटा या बड़ा बैठा होता है उसको अपनी बॉडी को आराम से रेजिस्ट करके बैठना चाहिए, ठीक है। तो जितना ज्यादा हमारी बॉडी का मास होगा उतना कम हम पे फर्क पड़ने वाला है अगर कहीं पे भी चेंज आता है, बट जितना कम मास होगा उतना ज्यादा उसकी बॉडी पे चेंज आएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक बार सेकंड एग्जांपल की तरफ भी, और ये भी काफी कॉमन है। हमने बचपन में तो ये सब चीजें काफी करी हैं, और आप लोग तो अभी भी कर ही रहे होंगे, आपका बचपन अभी कहीं नहीं गया है। तो क्या है इसे देखते हैं। इन अ कैरम बोर्ड इफ वी हिट अ स्ट्राइकर ऑन द पाइल ऑफ कॉइंस, समटाइम ओनली द बॉटम वन विल मूव एंड द अदर कॉइंस विल रिमेन देयर एट रेस्ट। यानी कि कई बार हमने देखा है ना कि कैरम बोर्ड में क्या करते हैं कि सारी गिट्टियों को एक के ऊपर एक पाइल अप कर देते हैं, और शर्त ये लगती है कि कौन ऐसे नीचे वाली को इतना तेज स्ट्राइक करेगा कि बाकी सब गिरनी नहीं चाहिए। तो वही हमारे गेम को इनर्शिया का एग्जांपल की तरह यहाँ पे शो किया गया है। क्या होता है अगर आपने स्ट्राइकर को इतनी तेजी से मोशन में लाके मारा है कि सिर्फ बॉटम वाला, सबसे नीचे वाला ही जो कॉइन है आपका, कॉइन यानी कि बहुत सारी जो हमारे पास गिट्टियां होती है व्हाइट और ब्लैक कलर के, देन वी हैव अ क्वीन ऑल्सो, तो उसी को गिरने नहीं देना है, ठीक है। सो अगर तेजी से मारा गया है तो सिर्फ नीचे वाला हिलेगा, और बाकी सभी पाइल्स ऑफ कॉइंस का वेट इतना ज्यादा है कि वो रेजिस्ट कर पाएंगी चेंज को बहुत अच्छी तरीके से, यानी कि अपने आप को हिलने नहीं देंगी, वो रेस्ट पर है और रेस्ट पर ही आराम से रह पाएंगी, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द इनर्शिया। क्या होगा? द कॉइंस रेजिस्ट द चेंज बिकॉज ऑफ द ग्रेटर मास। तो मैंने आपको यही बताया है कि जितना ज्यादा किसी भी चीज का मास होगा उतना ज्यादा उनके अंदर टेंडेंसी होगी टू रेजिस्ट दैट चेंज, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने मेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरफ। अप टिल देन बाय बाय।